दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम 12 क्लास की सेकेंड ईयर की सेवेंथ पोयम फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर की स्टडी करेंगे जिसको अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने कंपोज किया है। टेनिसन का जन्म 1809 और मृत्यु 1892 में हुई थी। दोस्तों पहले एक सरसरी नजर पोयम के बैकग्राउंड पर डाल लेते हैं। राजा आर्थर युद्ध में बुरी तरह से घायल हो जाता है जो मरने के कगार पर है। युद्ध में बचे आखिरी योद्धा सर बेटीवर राजा को विदा करता है और दुख के साथ कहता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, अब वे कहां जाए। राजा आर्थर इस पोयम के जरिए उसको जवाब देते हैं। पहले स्टेंजे की स्टडी करते हैं। एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज। बार्ज, बार्ज मीन नाव या नौका। राजा आर्थर नाव से धीरे से जवाब देता है। द ओल्ड ऑर्डर चेंज, पुराने नियम बदल जाते हैं। यील्डिंग प्लेस टू न्यू, यील्डिंग, यील्डिंग मीन उत्पन्न होना, उनकी जगह नए उत्पन्न हो जाते हैं। एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मैनी वेज, फुलफिल्स, फुलफिल्स मीन पूरा करना, वेज, वेज माने तरीके, और खुदा खुद की इच्छाओं को कई तरीकों से पूरा करता है। लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड, लेस्ट, लेस्ट मीन कहीं ऐसा ना हो। कस्टम, कस्टम मीन रीति रिवाज या परंपरा, करप्ट, करप्ट मीन भ्रष्ट, कहीं ऐसा ना हो एक अच्छी परंपरा दुनिया को भ्रष्ट कर दे। पोएट इस स्टेंजा में कहता है कि सर बेटीवर राजा को नाव में बिठाते हुए दुख के साथ कहता है कि पुराना सब नष्ट हो गया। इस पर राजा उसे समझाता है हमें बीते काल के लिए दुखी नहीं होना चाहिए, पुरानी चीजें बदल जाती हैं जो अपना स्थान नए को दे देती हैं। खुदा अपने कामों को कई तरीकों से पूरा करता है, कहीं ऐसा ना हो सिर्फ एक ही रास्ता, सिर्फ एक ही अच्छा रास्ता गलत हो। दोस्तों सेकेंड स्टेंजा की स्टडी करते हैं। कंफर्ट थी सेल्फ, कंफर्ट, कंफर्ट मीन तसल्ली या सांत्वना, खुद को तसल्ली दो। व्हाट कंफर्ट इज इन मी, क्या मुझ में सांत्वना है। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैं अपनी जिंदगी जी चुका हूं। एंड डेट विच आई हैव डन, और वह जो मैंने किया है। मे ही विथ इन हिमसेल्फ मेक प्योर, ही का मतलब यह गॉड से है, वे उनको खुद के लिए अच्छा बनाए। बट दो, मगर तुम, इफ दो शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, अगर तुम मेरा चेहरा कभी नहीं देख सको। प्रे फॉर माई सोल, सोल मीन आत्मा, तो मेरी आत्मा के लिए दुआ करना। राजा आर्थर सर बेजीवर से कहता है कि तुम्हें अपने दिल को समझाना चाहिए, मैं तुम्हें नहीं समझा सकता, मैं अपना जीवन जी चुका हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ जो मैंने किया वे उसे कबूल करे। अगर तुम मुझे कभी नहीं देख पाओ तो मेरी आत्मा की शांति के लिए दुआ करना। दोस्तों नेक्स्ट स्टेंजे की स्टडी करते हैं। मोर थिंग्स आर रॉट बाय प्रेयर देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ। रॉट, रॉट मीन करना, ड्रीम्स, ड्रीम्स मीन कल्पना। बहुत सारी चीजें हासिल कर ली जाती हैं दुआ के जरिए जिनकी हम इस दुनिया में कल्पना करते हैं। वेयरफॉर, वेयरफॉर मीन किस लिए या इसलिए। लेट दिस वॉइस राइज लाइक ए फाउंटेन फॉर मी नाइट एंड डे, इसलिए अपनी आवाज को फुहार की तरह रात और दिन मेरे लिए उठाओ। राजा आर्थर डेविड से कहता है कि बहुत सारी चीजें हासिल कर ली जाती हैं दुआ के जरिए जो इस दुनिया में हम कल्पना करते हैं, इसलिए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी आवाज को रात दिन प्रार्थना करने के लिए मेरे लिए फुहार की तरह उठाओ। दोस्तों लास्ट स्टेंजे की स्टडी करते हैं। फॉर व्हाट आर मैन बेटर देन शीप एंड गॉड्स।
फॉर वॉट, फॉर वॉट मीन किस लिए, किस लिए लोग भेड़ बकरियों से अच्छे हैं। डेट नरिश अ ब्लाइंड लाइफ विथ इन द ब्रैन, नरिश नरिशमेंट पालना, जो एक अंधा जीवन जीते हैं दिमाग के अंदर। इफ नोइंग गॉड, अगर खुदा को जानते हुए, दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर बोथ फॉर देम सेल्व एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड्स, वे अपने हाथों को नहीं उठाते हैं दोनों के लिए, खुद के लिए और उनके लिए जिनको वो दोस्त बोलते हैं। फॉर सो द होल राउंड अर्थ इज एवरी वे बाउंड बाई गोल्ड चेन्स अबाउट द फीट ऑफ गॉड। होल, होल मीन पूरा या पूरी, फीट, फीट मीन आचरण, चरण या कदम यानी पैर, क्योंकि ये पूरी धरती हर एक तरीके से सोने की जंजीरों से बंधी है खुदा के चरणों से। बट नाउ फेयरवेल, फेयरवेल मीन विदाई, मगर अब मुझे विदा करो। राजा ऑर्थर डेविड से कहता है कि क्या वे लोग भेड़ बकरियों से अच्छे हैं जो अपने दिमाग के अंदर एक अंधा जीवन जीते हैं, जो खुदा को जानते हैं मगर वे खुदा से प्रार्थना नहीं करते हैं अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए, क्योंकि ये पूरी धरती हर एक तरीके से सोने की जंजीर से बंधी है ईश्वर के पैरों से, और प्रार्थना ही ईश्वर इंसान को जोड़े रखने का एक साधन है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल ईसा टू ईसा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।